हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्राइसिस। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज गिव्स द ओरिजिनल वैल्यू। इट्स गिव्स द ओरिजिनल वैल्यू। सी सिंपल, सपोज वी हैव ए इक्वल टू 1, 3, 2, 4, 5, 6। एम आई राइट? वॉट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस? What is the transpose of this? Simple यार, a की पावर t क्या होने वाला है? सिंपल, 1, 3, 2 एंड 4, 5, 6। इज दैट क्लियर? हो जाएगा? ओके, नाउ मुझे क्या करना है, उसका भी ट्रांसपोज देना है। तो फिर से मैं बेटा ट्रांसपोज दे रहा हूं। अब देखो यहां पे सिंपली मैं ये जो टर्म है उसका भी ट्रांसपोज दे रहा हूं। तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया फिर से, राइट, तो क्या होने वाला है? रूल्स तो हमारे माइंड में है बेटा कि व्हेन वी अप्लाई द ट्रांसपोज ना, देन एवरी रो कन्वर्ट इन द कॉलम एंड कॉलम रो कन्वर्ट इन द रो। सो सेम वन, रो कन्वर्ट इन द कॉलम वंस अगेन। फिर से ट्रांसपोज दे लिया तो 1, 3, 2, 4, 5, 6 सिंपल। सो व्हाट इज दिस? इट इज द ए यार। सिंपल है ना यार? तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वी गिव्स ए। बेटा दूसरा रूल्स, के इंटू ए मीन्स मैट्रिक्स के साथ कैलकुलेशन में क्या है के? सिंपल इज दैट। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? तो फर्स्ट हम ले रहे हैं के इंटू ए। सही है? तो फर्स्ट हम ले रहे हैं के इंटू ए, तो के इंटू ए ले लिया। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग इज वेरी सिंपल यार, मीनिंग इज वेरी सिंपल। द के इज मल्टीप्लाई या प्रोडक्शन विथ ऑल द टर्म, यस और नो? तो के को हम सब में से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा? के 3K, 2K, 4K, 5K एंड 6K। इज दैट क्लियर? ओके, अब मुझे क्या लेना है? अब देखो के एक ट्रांसपोज मीन्स इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। एम आई राइट? अच्छा, तो मैं ट्रांसपोज ले लिया, तो यहां पे मैं ले रहा हूं ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर? बच्चों आप जानते हो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल रूल्स हैं यार। ओके, फर्स्ट रो कन्वर्ट इन फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो कन्वर्ट इन सेकंड कॉलम। सो 4K, 5K, 6K, राइट? चलो, इज दैट क्लियर? ओके बेटा, मैं अब इस जो सारे टर्म्स है उनमें से के कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ या ना? सब में से के कॉमन निकाल सकता हूं ना? हाँ। ओके ओके, तो मैंने के कॉमन निकाल दिया, तो 1, 3, 2, 4, 5, 6 बेटा अब ये क्या होने वाला है? तो ये तो ट्रांसपोज है, किसका है बेटा? ए का। तो बेटा ये जो वैल्यू है इसके लिए मैं लिख सकता हूं ना कि के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट? तो हमारा दूसरा रूल्स भी ऐसे प्रूव हो जाएगा। सिंपल है बेटा, कुछ है ही नहीं। बेटा रूल्स नंबर थर्ड, ए प्लस बी इज ट्रांसपोज, सिंपल, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ए प्लस बी, देयर आफ्टर क्या करना है? इट्स ट्रांसपोज। सो सिंपल, फर्स्ट वी टेक्स ए प्लस बी, वेरी वेरी सिंपल बेटा। ए प्लस बी सिंपल रूल्स, 1 + 2, 3, एग्री? ओके, 1 + 2, 3 - 1, 2, 2 + 2, 4, 1 + 1, 2, 5 + 2, 7, 6 + 4, 10, एम आई राइट? इट इज ए प्लस बी। वॉट वी वॉन्ट? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी यार। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज वेरी सिंपल, इज इक्वल टू 3, 2, 4, 2, 7, 10। वन रिजल्ट इज कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव? दिस वन। तो फर्स्ट टेक्स ए ट्रांसपोज, वेरी सिंपल, 1, 3, 2, 4, 5, 6। B transpose
सिंपल, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, 1 2 4, इज दैट क्लियर? नाउ एडिशन ऑफ दीज टू बेटा, राइट? सी 1 प्लस 2 3, राइट? 4 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1 5, 3 माइनस 1 2, इज दैट क्लियर? 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 4 10, यहां पे कुछ डिफर आ रहा है क्यों भाई? तो यहां पे 2 प्लस 2 4, मैंने गलती कर दी यहां पे, 1 4, ओके लिटिल मिस्टेक इज देयर, 4 प्लस 1 यहां पे 2 था, इसे 5 आ जाएगा बेटा, यहां पे 5 कर दो और यहां पे भी 5 आ जाएगा, ओके okay? तो 5 7 10, 5 7 10 लो प्रूव हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। फोर रूल्स, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, सिंपल बेटा। मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस 241, बी इक्वल टू 13 माइनस 6। बेटा कैलकुलेशन करने से पहले चेक इट कि मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट, राइट? सो इट इज 3 क्रॉस 1, इट इज 1 क्रॉस 3, सिंपल, यस और नो? सो फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो आर सेम, देन द प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। सो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट, द रिजल्ट इज, रिजल्ट इज 3 क्रॉस 3, रिजल्ट क्या वाला है बेटा? 3 क्रॉस 3, वेन वी मल्टीप्लाई देन द रिजल्ट इज कम्स 3 क्रॉस 3 फॉर्म, राइट? तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2 4 5, यस और नो? सो 1 विद दिस, 3 विद दिस एंड माइनस 6 विद दिस, देन इट इज द रिजल्ट, ओके? सिंपल, वी नो वेरी वेल, बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर यार, ओके? 1 विद दिस, 3 विद दिस, माइनस 6 विद दिस, ओके? नाउ द ट्रांसपोज ऑफ दिस, सिंपल, माइनस 2 4 5, माइनस 6 12, माइनस 15, देन दिस वन, सो ए बी ट्रांसपोज इज डन, ओके? तो रिजल्ट नंबर 1, ओके? रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा। नाउ देन आफ्टर व्हाट वी वांट टू प्रूव, दिस वन। तो फर्स्ट ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, राइट? ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ले लिया मैंने, ए का ट्रांसपोज इज 10 क्लीन, बी ट्रांसपोज 10 क्लीन, यस और नो? नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, नॉट दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो 1 माइनस 2 4 5 1 3 6 मल्टीप्लाई, वी गेट द रिजल्ट, सो बोथ आर द सेम, सो रिजल्ट विल बी प्रूव, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इज डन बाय,